1, 2, 3 कैमरा एक्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ। मास्क वगैरह लगा लेना भैया सब लोग अपने अपने। बैग में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया पहले। तो वीडियो बना दो बढ़िया से चढ़ते हुए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ गोपाल किशन। और हम लोगों को 2 दिन हो गए यहां पर और होटल से चेकआउट कर रहे हैं, निकलने वाले हैं। अब फिलहाल नई जगह है, नई घूमने के लिए कटरा वैष्णो देवी माता जी के दर्शन कर ही लिए हैं। अब निकलने वाले हैं बस यहां से थोड़ी देर में। टाइम हो गया है सुबह के 8:30 करीब बज गए हैं। देखते हैं कहाँ को जाते हैं। वैसे तो प्लान बन रहा था कहीं ऊपर जाने का, लेकिन प्लान हो गया है चेंज। हाँ जाएंगे ऊपर साइड, लेकिन पहले हिमाचल जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्लान हो गया चेंज। आपको भी देर में बताएंगे कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा सरप्राइज देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पैकिंग देखिए हमारी सारी पूरी हो चुकी है, बस बैग्स वगैरह सारे। बस गाड़ी ये रहा बैग, नहीं ये बैग है, ये गाड़ी में इनको फेंकने वाले हैं हम लोग। ये देख रहे हो ना, सबके अलग अलग बैग इतने सारे हो गए। गाड़ी भी लग गई है, ऊपर बैठेंगे गाड़ी में। गाड़ी भी लग चुकी है। ये है मेरा बैग, ये के है, और ये हनी का बैग। बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। ये देखिए पानी की बोतल भी भर चुकी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, हम लोग निकल रहे हैं बस अब। ये देखो हम लोग सारा कैंप का सामान भी रखते हैं, रस्सी वस्सी सब है हमारे पास। ले लगा लो बोतलें। चलो चलो भाई आगे को बढ़ो। सबने अपने अपने बैग रख लिए ना। अरे हाँ हाँ बढ़िया फोटो आ रही है। चलो भाई चलो, चलते चलो आ टाइम पे निकल गए सुबह से आराम से। बहुत बढ़िया टाइम से निकलने वाले हम लोग घूमने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी ये सर्विस खत्म हो जाएगी। अब सर्विस खत्म हो जाएगी वाईफाई वाली। चलो आगे बढ़ रहा है। और ये हमारे कैमरामैन अशोक गुप्ता, ये गुप्ता जी होटल से निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं पार्किंग में जहाँ से हम लोगों को निकलना है, जहाँ हम लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है। बस यहाँ होटल तो उसके पीछे पार्किंग है। हमारे गोपाल जी आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? अब कर रहे हैं कार का वेट कर रहे हैं, आने वाली है हमारी और निकल रहे हैं। पार्किंग तो भाई साहब बहुत अच्छी बना रखी है। ये देखो कटरा में हम लोगों को टूर कराने वाले हैं जो पल्सर से आए थे। हाँ और ये हम लोगों का होटल ये था ऊपर। ये रही हमारी गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी का नंबर है JK। और ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से। गाड़ी हमारी आ चुकी है, फाइनल हो चुका है। सबसे पहले बैठते हैं, लगा के रखना ठीक है। मास्क वगैरह लगा लेना भैया सब लोग अपने अपने। चलो भाई शुरुआत हो चुकी है ब्लॉग की। अब ब्लॉग करो। हाँ जी हाँ जी भैया, कौन सा ब्लॉग करो? मैं ट्रैवलिंग GKS ट्रैवलर के नाम से। चलो भाई बोल सच्चे दरबार की जय। सो कटरा से शुरुआत हो चुकी है, हम लोग कटरा से निकल चुके हैं। सबसे पहला स्टॉप रहेगा हमारा पटनी टॉप, जो यहाँ से 95 किलोमीटर है। टाइम हो गया है सुबह के 9:45 बज चुके हैं, और सुबह कितना ही जल्दी कर लो लेकिन फिर भी लेट हो ही जाता है। सोचा था कि टाइम से निकल जाएंगे 8 बजे तक 9 बजे तक, लेकिन फिर भी 10 बज ही गए हैं। और बस अब आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या जगहें हैं, घूमते हुए जाएंगे अच्छे से मौज मस्ती करते हुए। बने रहिए वीडियो के एंड तक। और शुरुआत अच्छी हुई है वैसे सुबह की, मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, टेम्परेचर भी अच्छा है। ज़्यादा गर्मी नहीं है ना ज़्यादा सर्दी है, सर्दी का मौसम के हिसाब से ज़्यादा ठंड भी है नहीं। यहाँ धूप अच्छी निकली हुई है। और बाकी पटनी टॉप का टेम्परेचर अभी पता नहीं है क्या है।
चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सारे आपको रास्ते के सीन दिखाएंगे जो भी मिलेंगे। सबसे पहले रास्ते में मिला है शनिदेव का मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर। सबसे पहले यहाँ दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये दिखाते हैं हम आपको भैरव बाबा और शनिदेव का मंदिर। भाई दर्शन हो चुके हैं, बैठो भाई गाड़ी में। और आ गए ब्रेकफास्ट पर। ये रहा ब्रेकफास्ट, पराठे पास हो चुका है, पराठे खा लिए, मैगी खा ली है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं आराम से। अभी इसकी मैगी चल रही है इसकी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को। आपको ठीक है? उल्टी पुल्टी तो नहीं आ रही? हाँ फिर ठीक है भाई, तबीयत सही रखियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और गड़बड़ लगे तो बता दियो। बस यहाँ से अब निकलने वाले हैं, यहाँ से थोड़ी देर में इसका ब्रेकफास्ट हो रहा है, फिर उसके बाद निकलेंगे। हाईवे वैसे शुरू हो चुका है यहाँ से, ये देखिए सामने पहाड़ वगैरह भी दिखने लगे अभी से। अभी तो और मजे आएंगे आगे जब पहुंचेंगे ना। मस्त एंट्री है। सबसे पहले पटनी टॉप पे पहुंचते ही आपकी एक स्लिप कटेगी जिसमें 70 रुपीज़ चार्ज होंगे। पहुंच गए हैं वैसे पटनी टॉप पर, देखते हैं घूमने की क्या क्या जगह है यहाँ पर। तो फाइनली पटनी टॉप पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आए हैं नाग टेम्पल। इसके भाई साहब बहुत शानदार हैं, घुमावदार पहाड़ रोडें एकदम बदर फर्स्ट क्लास, देख कर ही आपका है ना मन खुश हो जाएगा। यहाँ की भीड़ वगैरह वैसे है नहीं बहुत ज़्यादा, ज़्यादा भीड़ है नहीं, आराम से कम ही टूरिस्ट आ रहा है इस टाइम पता नहीं क्यों। वैसे एक रीज़न इसका ये भी, एक टर्नल बनी हुई है बता रहे थे अभी, जो गाड़ी वाले भैया बता रहे थे अभी कि यहाँ एक टर्नल बन गई है, आधी पब्लिक वहीं से निकल जाती है ऊपर और यहाँ कम ही आते हैं। ये रहा नाग मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं, एंट्री कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटनी टॉप के सबसे ऊंचे वाले मंदिर पे। इस मंदिर का नाम है नाग देवता का टेंपल है ये, और ये मंदिर कभी करीब 600 से 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर सिर्फ नाग देवता का वास है। हिस्ट्री इसकी अगर देखी जाए तो बोलते हैं, हिस्ट्री आपको बताते हैं इसकी थोड़ी बहुत, कि शंकर और पार्वती जी का है ना एक गुप्त स्थान हुआ करता था यहाँ पर, और फिर उसके बाद से ही यहाँ पर नागपंचमी वाले दिन पूजा होने लगी और हर नागपंचमी को यहाँ बहुत भीड़ वगैरह होती है। और जिसको भी काल सर्प दोष वगैरह का भी होता है वहाँ भी, यहाँ भी कुछ पूजा वगैरह आप करा सकते हैं। अच्छी जगह बहुत अच्छी है, पटनी टॉप के सबसे ऊँचे हाइस्ट हिल पर है। और ये रहा मंदिर, सब मैंने बता दिया है, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और चलो चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे की। मंदिर के अंदर सिर्फ जो एंट्री है वो सिर्फ जेंट्स लोगों की एंट्री है, लेडीज़ वगैरह अंदर नहीं जा सकते हैं। गर्भगृह तक जो मैंने अभी आपको अंदर सब दिखाया वीडियो में, वहाँ तक लेडीज़ वगैरह की एंट्री नहीं है, बाकी जेंट्स वगैरह बच्चे सब जा सकते हैं। एकदम शांत जगह है, एकदम शानदार और शांत जगह है। और वीडियो आप देख रहे हो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, GKS ट्रैवलर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, सब्सक्राइब कर दो और भी आपको नई नई जगह की वीडियो दिखाएंगे। बुलबुल का बच्चा और चुलबुल पांडे दिखाए जा रहे हैं, पता नहीं भाई क्या है यहाँ पे, सलमान खान आए हैं ना, तब से यही चल रहा है। सलमान बुलबुल का बच्चा देखिए, चुलबुल पांडे देखिए। चलो भाई, शंकर भगवान की जय। कौन से पेड़ बताए थे, क्या नाम था? पॉइंट ट्री। इनकी हाइट कितनी रहती है? हाइट इनकी काफी रहती है भैया, 50-60 फुट उसकी अपनी हाइट रहती है। पहाड़ वाले पेड़ ही अलग ही रहते हैं, वाले पेड़ हैं भैया। स्नोफॉल तो पूरे में होता है, स्नोफॉल पूरे में होता है, और वहीं पे ये पेड़ होते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, सबसे मजबूत लकड़ी होती है। ये ग्रीन टॉप गार्डन और क्या है भैया यहाँ पे घूमने? बस यही है, फिर आगे चिल्ड्रन पार्क है बस। और नागदेवता मंदिर के बाद आया अपना अगला स्टॉप ग्रीन पार्क टॉप। फिलहाल यहाँ भी पहुँच गए हम, ये देखिए। क्या शानदार जगह दिख रही है, लेकिन है ना बहुत शानदार। ये रहा चिल्ड्रन पार्क, JKTDC हट्स होटल। वाओ, यहाँ तो कॉटेज वगैरह टाइप के बने हुए हैं, कॉटेज है, कॉटेज। ये देखो पीछे दिख रहा होगा आपको कि कॉटेज टाइप के लग रहे हैं, यहाँ कैंप वगैरह राइडिंग वगैरह होती है, हॉर्स राइडिंग। बस ये है कि पहाड़ पे आ जाना, अब चढ़ते रहो और कुछ नहीं। ये आया है बोर्ड, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? वेलकम टू द फर्स्ट यूनियन पटनी टॉप। ये है यहाँ पर एप्पल गार्डन व्यू पॉइंट, फ्लावर गार्डन, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, कश्मीर वैली, हॉर्स राइडिंग एंड पटनी टॉप। और बाकी उधर का आप पढ़ लेना अपनी। ये जगह पता किस टाइप की लग रही है? इस टाइप की लग रही है जैसे फिल्मों वगैरह में शूटिंग वगैरह होती ना। गाड़ी चलाओगे? ये रही गाड़ी, गाड़ी नहीं आगे चलेंगे, जैसे फिल्मों मूवी वगैरह इसकी शूटिंग वगैरह होती ना, उस टाइप की जगह लग रही है। ये देखिए यहाँ पर केबल वाला है जो बाहर ऊपर पहाड़ से आ रही है, बेल्ट वगैरह लगाकर बांध देते हैं और वहाँ से ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, तो इसका चार्जेस है 400 रुपीज़। खैर भाई, पहाड़ों पे आओगे तो थोड़ी सी महंगाई तो आपको मिलेगी, ज़्यादा कॉस्टली हर चीज़ का आपको ज़्यादा पेमेंट तो खैर करनी पड़ेगा, पर मज़े भी उसी टाइप के होते हैं। पहाड़ों पर गोलगप्पे, सही कहा है किसी ने, हाथ फैलाने ही पड़ते हैं टिकिया वाले के सामने। यहाँ पर हमने पहाड़ों पर भी गोलगप्पे ढूंढ लिए, जहाँ भी जा रहे हैं ना भाई, गोलगप्पे भी पी रहे हैं, थोड़ा मजे से आ गए। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी, तीखे थे, अच्छे थे, लेकिन कश्मीर वाली फीलिंग। ये भाई पटनी टॉप देख लो, देखिए थोड़ा हम लोग अभी ऊपर आए हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो लोकल साइट सीन है, ये है, ये देखिए, ये यहाँ पर पॉइंट है कश्मीर वैली व्यू पॉइंट, साइट साइट वाटरफॉल, शिव घाटी वगैरह। इस साइड चल रहे हैं जंगल साइड, ये देखिए, ये ऐसा है जंगल। जब भाई आए हैं इतनी दूर तो आगे भी बढ़ते हैं, चलो चलते हैं। चलो भाई, लोकल साइट सीन हो गया है डिसाइड, अब बैठते हैं घोड़े में। भैया किसके साथ बैठना है भैया? अपने अपने लाने पिछले सारी ले। हॉर्स राइडिंग शुरू हो चुकी है, घोड़े से जा रहे हैं लोकल साइट सीन देखने के लिए। भाई कौन कौन से सीन है बताइए जरा। ये देखो चढ़ाई चढ़ाई ऊपर, ये लोग तो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए।
टिप चिक टिप चिक। अरे दादा रे कतई खड़ी चढ़ाई। हीरा सुपर सबसे ऊपर। ये चलने वाला घोड़ा है। एड़ी लगाओ इसको, एड़ी लगाओ यार, बस ऐसे। हाँ एड़ी नहीं होना, बाकी दोनों पांव पे एड़ी बराबर है। ये देखिए सीन आप यहाँ का, वादियों का। ये जा रहे हैं ऊपर। अरे तुम तो आ रहे हो हमारे संग है। लंबे लंबे पेड़ है ना। हाँ ये है देवदार के, देवदार के पेड़ है ये लंबे लंबे। और ये जंगल का साइड सीन, जो हरा वाला ये सदाबहार, हरा वाला सदाबहार। फिलहाल हम लोग कितनी ऊंचाई पे है अभी? 4000 फीट। 2000 फीट पे अभी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। खुद भी चला सकते हैं ना भैया, खुद नहीं चलाना। अरे दादा रे इतना ज्यादा नहीं। हाँ तो मजे रहे भाई साहब, खतरनाक वाले। आपको मैं बताऊँ ये 5 लोकल सीन है जो सिर्फ 300 रुपये, 300 रुपये में फिक्स हुए हैं। बाकी जो स्लिप वगैरह कटेगी वो अलग से, पता नहीं क्या है, अभी चल के देखते हैं आगे। अच्छा मजे आ गए। कश्मीर के पहाड़ है यहाँ से, कश्मीर 180 पूरा कश्मीर का। मैंने बोला था रोहतांग के पहाड़, वो सामने कश्मीर वैली। ये जो नीचे गांव है कश्मीर का फर्स्ट गांव, इसको बोलते हैं चकुआ गांव। ये पहला गांव, वो जो खाई दिख रही है ना वहाँ से बहती है चनाब नदी, जो यहाँ से बाकर पाकिस्तान में जाती है। ये जितनी बिजली आई है वहीं से जो है ना, इधर की तरफ से खाई है नीचे बहुत बड़ी चल रही है, इसके बीच में चनाब नदी जा रही है जो पाकिस्तान बहती है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। कौन सा स्टॉप है ये? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली वैली, यहाँ से सारा कश्मीर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये फर्स्ट गाँव भी नीचे है कश्मीर का, और यहाँ से मैं बैठा था जब चारों धाम केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह गए थे तब उधर बैठा था। फिर उसके बाद हम लोग मनाली वगैरह भी गए थे तो वहाँ नहीं बैठे, लेकिन यहाँ आके बैठना पड़ा घोड़े पे, क्योंकि जब साइट सीन देखने हैं तो घोड़े पे तो भाई बैठना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का जो फेमस पेड़ है, पति नहीं है अभी है। ये हमारा सेकंड स्टॉप एप्पल गार्डन। पहला स्टॉप कश्मीर वैली और सेकंड स्टॉप एप्पल गार्डन। अब बढ़ रहे हैं फिर आगे। घोड़े से उतर चुके हैं कैसे? अब ये जा रहे हैं, ये है फ्लावर गार्डन, और आगे जा रहे हैं व्यू पॉइंट की साइड। घोड़े से मिल रहा है भाई, बता दिप्चे, रहे दिप्चे। कि अपना कश्मीर लगता है और उस तरफ लगता है अपना जम्मू। एक साइड जम्मू है, एक साइड उधमपुर वाली लाइन है। खैर मजे आ गए कुछ भी कहो भाई। एक बात बताऊं, नहीं ये कश्मीर लगता है तो जम्मू लगता है भाई। ये बताओ 300 रुपए वसूले कि नहीं? बहुत अच्छे वसूल हो रहे हैं। 450 लगते तो भी वसूल नहीं होते, थोड़े ज्यादा लगते पर लेकिन ठीक है, अच्छा है भाई। आप 300 रुपए में घोड़े की भी सवारी कर लोगे यहाँ? घोड़े का नाम क्या है? मुन्ना। मेरे का मुन्नी, सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो मुन्नी कौन सी असली थी? ये आ गया मुन्नी का घर, पता नहीं कहाँ। ये देखिए मुन्नी का घर, वो जा रही है मुन्नी, वो जा रही है। ये देखिए मुन्नी का घर, मुन्नी जा रही है, मुन्नी जा रही है। मामा भी इधर ही कहीं होंगे मुन्नी के। ये घर मुन्नी, ये अलग घर है। बा 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 सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर गांव तासी। भाई साहब मजे आ गए, व्यू पॉइंट बहुत क्लासिक है, एकदम गदर गदर। बोलेगा फाड़ू फाड़ू बोलेगा, बहुत ही सुंदर। आप लोकेशन देखिए कितनी प्यारी है इधर की। ये मेरे कैमरामैन प्यारी है, और ये मेरा कैमरामैन अनीता गोपाल किशन सोनी। खैर जगह भाई बहुत अच्छी है, एकदम मजे आ गए नीचे उधर। और बस अब लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये पटनी टॉप का लास्ट पॉइंट था और ये सबसे ऊंचाई पर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कहीं और। वैसे मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, हम लोग निकल रहे हैं अभी कश्मीर साइड, अब चलते हैं आगे, और भी मजे आने वाले हैं। और पटनी टॉप वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड।
और यहाँ की डेस्टिनेशन हो गई ख़त्म। और फिलहाल चैनल को कर देना सब्सक्राइब GKS ट्रैवलर, और भी वीडियो देखने के लिए अभी आती रहेंगी, बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं आपके लिए और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे नई नई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं।